नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। कानपुर के कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की फैंस के लिए अच्छी खबर है। राजू की हालत में सुधार हुआ है। राजू श्रीवास्तव के ब्रेन ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, जिसके बाद से उनके फैंस चिंतित हो गए थे। अब राजू श्रीवास्तव के परिवार ने स्टेटमेंट जारी करते हुए उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कॉमेडियन की हालत अब स्थिर है और डॉक्टर्स की टीम उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है। राजू श्रीवास्तव की तबीयत खराब होने के बाद उनके फैंस को तगड़ा झटका लगा था। सभी उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे थे, तो वहीं अब सभी फैंस के लिए और शुभचिंतकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जहां राजू श्रीवास्तव की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। परिवार ने अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कहते हुए बताया कि राजू श्रीवास्तव की हालत अब बेहतर है। राजू की हालत में सुधार हुआ है। राजू श्रीवास्तव के ब्रेन ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। आपको बता दें कि कानपुर गए हुए थे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, जहां वर्कआउट के बाद होटल में वो गिर पड़े थे। उन्हें हार्ट अटैक आया था, उनके ब्रेन ने काम करना रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उनके फैंस काफी चिंतित हो गए थे। इस खबर पे हमारे साथ कानपुर से संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, परिवार की तरफ से स्टेटमेंट जारी करते हुए राजू श्रीवास्तव की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई है, इससे कितनी राहत मिली है फैंस को? मैं बता दूं कि कानपुर में इस खबर से कानपुर वासियों को काफी राहत मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं कानपुर वालों का राजू श्रीवास्तव से बहुत लंबा लगाव रहा है, और राजू श्रीवास्तव कानपुर के ही रहने वाले थे। और वर्तमान में जो अफवाहें चल रही थी कि राजू श्रीवास्तव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इस तरीके से बहुत सी अफवाहें चल रही थी। लेकिन जब ये अफवाहों को जब घर वालों ने देखा, तो उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करके ये संदेश दिया कि राजू श्रीवास्तव घर पहले से काफी बदलाव है, और कहीं ना कहीं उनके जो हाथ है और कंधों का मूवमेंट चालू हुआ है, जो डॉक्टर बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा संकेत। जी अनिल, अगर एम्स की डॉक्टर्स की माने तो कब तक राजू श्रीवास्तव ठीक होंगे और घर लौटेंगे? अभी डॉक्टर ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर का सिर्फ ये कहना है कि अभी जो इनके मूवमेंट है, मूवमेंट कहीं ना कहीं ये अच्छे साइन है रक्त के स्वस्थ होने का, जिसके चलते कहीं ना कहीं बहुत जल्द स्वस्थ होकर वो घर वापस हो सकते। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ कानपुर से संवाददाता अनिल जुड़े थे। गाजीपुर में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर गाजीपुर में थे। उन्होंने एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात की। वो बलिया से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि हमने नई राजनीति पार्टी अधिकार सेना बनाई है, लेकिन निर्दल प्रत्याशी के तौर पर वो बलिया लोकसभा से ताल ठोकेंगे। अमिताभ ठाकुर को समय से पहले ही सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर इन दिनों पूर्वांचल दौरे पर हैं और अपनी अधिकार सेना का विस्तार कर रहे हैं। हाफ एनकाउंटर मतलब पांव में गोली लगेगी, फुल एनकाउंटर मतलब यहाँ गोली लगेगी। और सबसे सबसे कष्ट का विषय है कि कई लोग तो कहते हैं उनके उनके रेट तक तय हैं। हाफ फ्राई कराने का क्या रेट है, फुल फ्राई का क्या रेट है, वो तय है, तो इससे क्या कहा जाएगा। सर, आप वसूलों की बात करते हैं, आपने अपने सेवा काल में ऐसी ऐसा कौन सा राजनीतिक दल था जो आपने वसूलों के करीब आदमी को समझा? देखिए, वसूलों की बात अगर मैं करूँगा तो राजनीतिक दल के रूप में तो नहीं कहूँगा, एक व्यक्ति के रूप में। सुल्तानपुर में पुलिस विभाग के कर्मचारी सरकारी कामकाज में पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते नजर आते हैं। जयसिंहपुर थाने में एक दरोगा का घूस मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में दरोगा 15,000 रुपए की घूस मांगते नजर आ रहा है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पीड़ित ने बताया कि गाड़ी ने युवक को टक्कर मार दी थी और वो घायल हो गया, जिसके बाद पीड़ित ने घायल का इलाज कराने में उसे अस्पताल पहुंचाने में मदद की थी। बोलेरो सवार ने घायल और राम आशीष पर मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन पुलिसिया सिस्टम ने पीड़ित का मुकदमा दर्ज नहीं किया। दरोगा जगदीश यादव ने जांच में सहयोग के नाम पर 15,000 रुपए की डिमांड करी है। पहली बार आपके नाम पर चार दिन तेल फूके वहाँ गए, और वो करे बाद फिर आपकी सीडी हम अपने पास जमा करे, कहीं नहीं लिखा है। आप पूछ लेना कि आप मुकदमा लिखाए तो क्या सीडी दरोगा दाखिल करेगा, अब कंप्यूटर कट वही हम ही देंगे, ये कहीं लिखा है कहा? आपके वेतन नौकरी करने आए तो आप दूसरे के मुकदमा लड़ाने के लिए आप पैसा देने के लिए आए क्या?
नहीं, हमारी आपकी जो बतिया हुई थी वो बतिया भी नहीं पूरी हुई। आपसे कहे थे 15,000 आप दीजिएगा, एफिडेविट दीजिएगा, तब आप नहीं दिए। आप ऐसा कुछ नहीं कहे थे, आपके हो जाएगा, हम पे नहीं होगा तब बताइएगा, और कर देंगे, लेकिन होना चाहिए काम। आप कैद कर देना, जब हम पहले हरक नारायण से कहे थे एफिडेविट लगेगा और ये कहना तब देना एफिडेविट। आपने आपने आधार कार्ड मांगा, हमने आधार कार्ड दिया। जब आपका नहीं देख लीजिए, देख लीजिए, हम चुप हो गए। हमका जो हमारी बातें देख लीजिए। संभल के थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के गांव पोटा में 2 महीना पहले शादी हुई थी। युवक और युवती ने लव मैरिज की थी, इसी से युवक के भाई नाराज चल रहे थे, जिसकी वजह से युवक ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। विवाहित का आरोप है कि उसके जेठ और उसके नंदोई ने उसके पति को मौत के घाट उतारा है और विवाहिता को मौत की खबर तक नहीं दी। इस मामले में CO जितेंद्र कुमार ने महिला को आश्वासन दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं लड़की की चीजों से पहले मिलाकर लाया था। हाँ। और साहब जो है मेरे घर पे थी लड़की। हाँ। वो मेरी लड़की के जेठ होने नंदू जी ने वो मेरा दिमाग मार दिया। अब मुझे कोई सूचना नहीं दी था। मैं थाने जाता हूँ तो मेरे को भी लिखते पुलिस वाले थाने से पीन के घर गया। मैं डांट डपट कर वहाँ से भेज दिया कोटा वालों ने। अच्छा। और क्या नंदोई आपके? 3। जेठ क्या है? 2। नाम बता दोगे एक आध का? एक का नाम संतोष जी, निर्दोष जी, सुरजीत। अच्छा, जब आपके आदमी को मार दिया तो आप उसके बाद आपको सूचना दी गई थी? ना, अभी तक आप। अच्छा, फिर आप वहाँ पे गई थी, क्या हुआ था? थाने गए जी, थाने हम जब थाने पहुँचे तो हमारी उन्होंने रिपोर्ट ना ली। बिजनौर में हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि वो अपने बच्चों को इतिहास की सही और विस्तृत जानकारी दे, जिससे उन्हें याद रहे कि देश की आज़ादी में उनके बुजुर्गों का कितना योगदान रहा है। आज़ादी के आंदोलन में नूरपुर क्षेत्र के क्रांतिकारियों का अहम योगदान रहा है। इस दौरान पुलिस की चलाई गई गोली से गुनियाखेड़ी निवासी परवीन सिंह और अस्करीपुर निवासी रिकी सिंह शहीद हो गए थे, जिसकी याद में नूरपुर में शहीद स्थल और उनकी प्रतिमाएं इसका प्रमाण है, जहां हर साल 16 अगस्त को एक मेले का आयोजन किया जाता है। जहां तक नूरपुर में रिक्की सिंह और परवीन सिंह का संदर्भ है, तो ये भारत के स्वाधीनता संग्राम का जो क्रांतिकारी अध्याय है हमारे जनपद बिजनौर का, उत्तर प्रदेश के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तो जो आप घटना कहना चाह रहे हैं परवीन सिंह और रिक्की सिंह की, ये सन 1942 की है, जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो उसके बाद 16 अगस्त सन 1942 को नूरपुर में थाने पर तिरंगा झंडा फहराने के उद्देश्य से एक जत्था क्रांतिकारियों का चला, जिसमें रिक्की सिंह और परवीन सिंह का नाम मुख्य था। बरेली के नवाबगंज कस्बे में कुछ अलग नजारा देखने को मिला। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी संदर्भ में नमाज के बाद अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में बड़ी संख्या में मुसलमानों का हुजूम शामिल रहा। यह यात्रा जामा मस्जिद नवाबगंज से शुरू हुई और जंगली वाली मस्जिद होते हुए खारजा रोड पर जा पहुंची। कोतवाल नवाबगंज अशोक कुमार कंबोज ने भारी फोर्स लगाकर व्यवस्था को संभाला। तिरंगा यात्रा नवाबगंज के विधायक डॉक्टर MPR के आवास के सामने पहुंची। इस दौरान अध्यक्ष आदिल हुसैन, पूर्व सचिव एडवोकेट मोहम्मद ताहिर अंसारी और अंजुमन इस्लाहुल के वरिष्ठ सदस्य यात्रा में मौजूद रहे। खबर औरैया से है, जहां पर आजादी का अमृत महोत्सव को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं जिला प्रशासन नए कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहा है। SP ने बच्चों के साथ मैराथन दौड़ लगाई। जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव और अपर जिलाधिकारी रेखा चौहान सहित पुलिस जवानों ने स्कूली बच्चों के साथ साइकिल से तिरंगा यात्रा निकाली। लगभग 3 किलोमीटर तक इस यात्रा को निकाला गया।
स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत औरैया के अरवा कटरा में थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल के नेतृत्व में बैंड बाजे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पुलिस फोर्स के जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम के नारे लगाए। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन गाजीपुर से पुलिस अधिकारियों और जवानों ने हाफ मैराथन दौड़ लगाई और ये आयोजन पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें खुद एसपी ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। हाफ मैराथन पुलिस लाइन से शुरू होकर पीजी कॉलेज चौराहे होते हुए सरयू पांडे पार्क के पास समाप्त हुई। सीओ सिटी गौरव कुमार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य और लोगों में जागरूकता लाने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आज़ादी का 75वां साल सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे देश में धूमधाम से। पुलिस विभाग द्वारा भी पूरे सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसी क्रम में आज सुबह हाफ मैराथन पुलिस और पीएसी के जवानों की थी, जिसमें कप्तान साहब ने खुद नेतृत्व किया और उसी क्रम में हम लोग पुलिस लाइन से पुलिस कार्यालय तक 5 किलोमीटर हाफ मैराथन पूर्ण किए। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।